Hey YouTube, you're watching Universal Tech back with another video. So let's get started. सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा लेटेस्ट टेक मसाला देखने के लिए सबसे पहले। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है सोनी की तरफ से और सोनी का XZ1 लीक हो चुका है। कैड रेंडर्स आप इसके देख सकते हैं। मोबाइल काफ़ी देखने में थिक लग रहा है और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 4.6 इंच की डिस्प्ले, साथ में आपको देखने को मिलेगा एक सिंगल कैमरा सेटअप जो बिल्कुल बेसिक है, और साथ में आपको इसके अंदर मिलेगा स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर, 4GB के रैम, 2600mAh की बैटरी, NFC और साथ में USB टाइप सी की सपोर्ट। साथ में इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड का नूगट 7.1.1। अभी इसकी प्राइसिंग लीक नहीं हुई है, सिर्फ ये कुछ कैट रेंडर्स और स्पेसिफिकेशंस हैं। और इसके साथ ये भी रूमर्ड है कि 31 अगस्त को आपको देखने को मिल सकता है ईफा में इनका इवेंट। तो देखते हैं, सोनी को लगता है अभी तक के समझ में नहीं आ रहा है। 2017 के अंदर अभी भी रिजल्ट काफ़ी बड़े लग रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं ये लोग। देखते हैं क्या लेके आता है ये फ़ोन, किस प्राइस रेंज में आने वाला है, ये देखने वाला होगा। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है Xiaomi की तरफ से और Xiaomi का Mi Mix 2 जो आने वाला है नेक्स्ट मंथ, उसकी एक इमेज लीक हुई है उनकी MIUI 8 की। उसके अंदर ऐसा कंफर्म होता है कि आपको मिलेगा एक 3D फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। अब ये देखने वाला होगा ये फेशियल रिकग्निशन सिस्टम किस तरह काम करता है, एक बेसिक वाला है या फिर जैसा सैमसंग ने इंप्लीमेंट किया उस तरह से, या कुछ रेवोल्यूशनरी होने वाला है एप्पल की तरह जैसा कि क्लेम किया जाता है। तो बहुत जल्दी Mi Mix 2 आने वाला है, सितंबर में लॉन्च है। देखते हैं क्या लेके आता है Xiaomi इस बार। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है बेस्ट स्मार्टफोन जो सेल हुआ है Q2 के अंदर 2017 में, वो है iPhone 7। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, 16.9 मिलियन यूनिट्स इन लोगों ने शिप किए हैं। साथ में उसके बाद आता है नंबर 2 पे iPhone 7 Plus, और उसके बाद आता है सैमसंग का गैलेक्सी S8। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ थी कि यानी सैमसंग इतना कुछ देता है, उसके बाद भी इनके यूनिट्स काफ़ी सेल कम हुए हैं, और आईफोन एक साल पुराना हो चुका है बेसिकली, फिर भी टॉप पे है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। देखते हैं अभी नोट 8 आने वाला है, साथ में आने वाला है iPhone 8, कौन आगे जाएगा, क्या सेल होने वाला है हॉट, उसके लिए हम लोग वेट करते हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है Xiaomi की तरफ से और Xiaomi का Redmi Note 5A आपको देखने को मिल जाएगा 21 अगस्त को। CEO ने खुद इसकी पिक्चर्स जो है पोस्ट की हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। इसके अंदर दो वेरिएंट होने वाले हैं और स्क्रीन साइज सेम रहेगी, 5.5 इंच की 720p आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि है एक LCD बेस्ड डिस्प्ले। अब जो ये दो वेरिएंट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। जो पहला वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 425 प्रोसेसर और 3000mAh की बैटरी, साथ में आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर 2GB की रैम और 16GB की बिल्ट इन स्टोरेज। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 13MP का रेयर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा। और जो दूसरा जो है वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 430 प्रोसेसर, साथ में 3GB की रैम और 32GB की बिल्ट इन स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंदर जो फ्रंट कैमरा होगा वो होगा 13MP का, जो रेयर होगा वो होगा 16MP का, लेकिन जो है जो इसकी बैटरी है वो 3000mAh की रहने वाली है दोनों में। और इसके अंदर बेसिक आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इसका जो फर्स्ट वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग तकरीबन $150 होने वाली है। जो नेक्स्ट वेरिएंट होगा उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, तो वो देखने वाला होगा, बहुत जल्दी ये आने वाला है। सो मुझे आप लोग फ्रेंड्स बताइए कि ये मोबाइल आप लोग कैसा कंसिडर करते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है LG की तरफ से और LG का V30 का एक और रेंडर लीक हो चुका है। एवन ब्लास्ट ने इसको ट्विटर पे पोस्ट किया, आप चेक कर सकते हैं इस इमेज को, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्मार्टफोन। और इसके बेजल्स काफ़ी स्लिम है लेकिन टॉप एंड बॉटम चिन अभी भी है वहीं पे। ये कुछ सैमसंग के गैलेक्सी S8 जैसा लग रहा है बेसिकली, लेकिन ये काफ़ी अच्छा आने वाला है ये स्मार्टफोन। और इसकी जो प्राइसिंग है तकरीबन जो बेसिक मॉडल होने वाला है, जो स्मॉल वेरिएंट होगा वो होगा $700 का, और जो प्लस वेरिएंट होने वाला है उसकी कुछ प्राइसिंग ऐसी बताई जा रही है कि 800
$50 के करीब रहने वाली है। तो ये एक चीज़ देखने वाली होगी क्योंकि मार्केट में और भी स्मार्टफोन्स हैं जो इनसे बेहतर कर रहे हैं लेकिन उनकी प्राइसिंग अच्छी है। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और 6GB की रैम के साथ, और डॉल्बी एटमॉस का भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये देखने वाला होगा LG V30 इस बार क्या लेके आता है, क्या ही धमाल मचा पाएगा या नहीं। फ्रेंड्स, जो लास्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है नोट 8 के बारे में, और नोट 8 का एक न्यू कलर जो है डीप सी ब्लू, ये आप देख सकते हैं इस रेंडर में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसकी ऑफिशियल डेट भी आ चुकी है, 23 अगस्त को ये लॉन्च होने वाला है ऑफिशियली। तो देखते हैं कि सैमसंग क्या लेके आता है नोट 8, और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आप नोट 8 लेंगे या फिर आईफोन 8। आज का ये मैं क्वेश्चन रखता हूँ आप लोगों से, प्लीज़ इसका जवाब मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइए कि आप कौन सा डिवाइस कंसीडर करने वाले, नोट 8 या फिर आईफोन 8, किसका वेट है आपको सबसे ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड बाय।